राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज लोक भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों व 1209 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास है। वहीं 150 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 2,90,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि अंतरित भी की गई। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सुपोषित भारत के माध्यम से एक सशक्त और समर्थ भारत की प्रधानमंत्री जी की विजन को मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपए की दर से डीबीटी के माध्यम से राशि अभी अंतरित की गई है। और साथ ही यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों की अन्न प्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये छठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का परिणाम दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा, तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के कालकल्वित हुए थे। 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर विभागीय समन्वय कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना यह तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है, वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई, और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। यह कार्यक्रम तीव्रता के साथ आगे बढ़ा है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी दी गई हैं, जिनमें इन्फेंटोमीटर बच्चों की लंबाई नापने के लिए, स्टेडियोमीटर बच्चे की ऊंचाई नापने के लिए, वेइंग मशीन ये बच्चे का वजन नापने के लिए, ये भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए गए हैं। इसमें तमाम अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़े गए हैं, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा से आज जो एक कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डाटा प्लान के लिए 2,000 रुपए और अनुपूरक पोषाहार वितरण के पोषण ट्रैकर पर सेवाओं के अंकन के लिए इसमें 1,500 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। एक बड़ा अभियान है, और इस अभियान के साथ हम लोगों को प्रदेश के अंदर 19 लाख जो विभिन्न प्रकार के आंगनबाड़ी केंद्रों का
जो हमारे पास एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को और उसकी आवश्यकताओं को बेसलाइन सर्वे करा करके जो 18 जो मूलभूत उसके संकेत है उसके आधार पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2023 इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।